यासीन है, मैं यू एम सी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का लेक्चर 37 डिस्कस करेंगे, मिडल ईयर। जैसा कि हम जानते हैं कान के तीन हिस्से होते हैं, ईयर के आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। मिडल ईयर जो है इट इज़ अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर बाद का जो हिस्सा है वो मिडल ईयर जो आता है। इसमें तीन छोटी हड्डियाँ होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, कॉल्ड मिडल ईयर ओसिकल। देखें, एक बोन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये। ये पूरे जिस्म में सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम मिडल ईयर ओसिकल्स का नाम देते हैं। इसमें जो पहली हड्डी है इसको हम नाम देते हैं मैलियस, दूसरी का नाम इनकस, और तीसरी हड्डी जो है इसको स्टेप्स का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, मैलियस अटैच विद ईयर ड्रम। ये जो मैलियस होती है कान के पर्दे से जुड़ी होती है, उसके बाद इनकस आती है, इनकस के बाद स्टेप्स फाइनली आती है, डेट इज़ प्रोटेक्टेड टू द मेम्ब्रेन कावल ओवल। ये स्टेप्स एक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, उस मेम्ब्रेन को ओवल विंडो का नाम दिया जाता है। ठीक है, ओवल विंडो सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। ओवल विंडो एक ऐसा हिस्सा होता है जो मिडल ईयर को इनर ईयर दोनों हिस्सों से जो है वो सेपरेट करता है। मिडल ईयर कम्युनिकेट विद नेजल कैविटी थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब। ये जो मिडल ईयर है ना, ये एक ट्यूब है जिसको कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ये ट्यूब जाके हमारे नाक से कनेक्ट होती है, यानी हमारे कान का हमारे नाक से कनेक्शन यूस्टेचियन ट्यूब से होता है। और अक्सर अगर हम कान में ड्रॉप्स डालें तो हमारे नाक में उसके जो है वो महसूस होता है, और मुंह के अंदर भी उसका फ्लेवर हलक में जाता है। दिस ट्यूब रेगुलेट्स एयर प्रेशर इन बोथ। ये ट्यूब क्या करती है, कान के अंदर जो है हवा का प्रेशर उसको मेंटेन रखती है। इनर ईयर, इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। इनर ईयर में तीन हिस्से होते हैं। ये सेंटर वाला हिस्सा जैसा कि आपको नजर आ रहा है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और साथ उसके ये हिस्सा कॉकलिया जो है वो मौजूद होता है। वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द इन, ये जो इनर ईयर है उसके बिल्कुल सेंटर में जो ये हिस्सा पाया जा रहा है वेस्टिब्यूल कहलाता है, और तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट पोस्टीरियर वेस्टिब्यूल के पीछे, ये तीन कैनाल्स मौजूद होती हैं। कॉकलिया इज अ मेड अप ऑफ थ्री डक्ट्स। ये एक दो तीन डक्ट तीन नालियों के मिलने से बनता है, और ये तीनों नालियाँ बल खाई होती हैं, कॉइल शक्ल में होती हैं। साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर साउंड को रिसीव करने वाले सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको हम ऑडिटरी नर्व्स का नाम देते हैं। ऑडिटरी नर्व्स कोकलिया जो है वो इससे पैदा होती है। हमारे कान से आवाज़ जो है तमाम हिस्सों से गुजर कर कोकलिया में आता है, और कोकलिया से आवाज़ की सेंसेशन ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक जाती है।